जब भी जंगली जानवरों की बात होती है तो हमारे जहन में सबसे पहले उनके खूंखार रवैये की तस्वीर बनती है। जब इनकी कल्पना भर से ही हम इंसान इतना डर जाते हैं तो जरा सोचिए कि क्या हो जब ये वाइल्ड एनिमल सीधे इंसानी इलाकों में ही घुस आए। इसी सवाल के जवाब में हमने ये वीडियो बनाया है। ये वीडियो शुरू करने से पहले हमारे नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये वीडियो गुजरात के गिर नेशनल पार्क के पास बने पांडेश्वर महादेव मंदिर का है, जहां पुजारी को मंदिर के दरवाजे पर एक शेरनी घूमती हुई दिखाई दी। इसके बाद डर के मारे पुजारी ने मंदिर के गेट बंद कर लिए, लेकिन ये शेरनी तो वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो कभी इस गेट से झांकती तो कभी उस गेट से घूरती। आखिरकार पुजारी ने जोर जोर से आवाज देकर उसे भगाने की कोशिश की। थोड़ी देर के बाद शेरनी अपने आप ही जंगल की तरफ बढ़ गई। गुजरात के फ्लाईओवर पर दिन दहाड़े जंगल का राजा शेर कुछ यूं टहलता हुआ दिखाई दिया। खूंखार शेर को सड़कों पर यूं घूमता देख कुछ हैरान लोग उसका वीडियो बनाने लगे। दरअसल ये शेर जंगल से रास्ता भटककर इंसानी बस्ती में घुस आया था, इसलिए ये थोड़ा सहमा हुआ भी नजर आ रहा था। वहीं अगर वो जंगल में होता तो उसका रूप कुछ और ही होता। ये वीडियो भी गुजरात के अमरेली गांव का है, जहां रात को छत पर खड़े इन लोगों को गलियों में शेर को जाते हुए देखा। ये लोग वीडियो रिकॉर्ड कर ही रहे थे कि पीछे से कुछ और शेर भी आते हुए दिखे। अरे यहां तो शेरों की पूरी फैमिली ही गांव में घूमने आई है। आपको बता दें कि गिर नेशनल पार्क के आसपास के गांवों में शेर अक्सर इंसानी इलाकों में घुस आते हैं। यहां गांव में घुसे इस गुस्साए हाथी को तिल मिलाते हुए देख सकते हैं। इसके सामने जो भी आ रहा है उसके गुस्से का शिकार हो रहा है। यहाँ तो शॉप पर खड़े लोगों पर भी ये हमला बोल देता है। ऐसे एनकाउंटर से तो राम ही बचाए। थाईलैंड में इस हाथी को जोर की भूख लगी थी। उसे कुछ दिखा तो नहीं, लेकिन एक स्वादिष्टी महक जरूर आ गई थी। फिर क्या था, गजराज ने उस महक को सूंघते सूंघते एक घर के किचन की दीवार तोड़कर सीधे अंदर एंट्री ले ली और जो भी मिला खाकर अपनी भूख मिटाई। कहने वाले सही कहते हैं कि भूख सबसे बड़ी चीज है। ये सिर पर सवार तो किसी को कुछ नहीं दिखता। जरा सोचिए, अगर आप रात के अंधेरे में किसी सुनसान सड़क से गुजर रहे हैं और अचानक आपको रास्ते में शेर दिख जाए तो क्या होगा। गुजरात के एक फॉरेस्ट गार्ड के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, जिसे घर जाते वक्त सड़क पर एक शेर बैठा दिखाई दिया। इसके बाद गार्ड उसे रास्ता देने के लिए उसे गुजराती में कुछ फरियाद करता है, जिसके कुछ ही देर बाद शेर वहां से उठकर चला जाता है। हाल हवे आंखों दी तो तारी हटवाए पड़ा रही छे भाई, हवे तो हटवा दे। हाल उभो था, हाल जावा दे, हवे रस्तो रोक मा हाल। हाल उभो था, हाल बस। वाह भाई वाह। शायद उसने शेर से कहा होगा कि मैं पूरे दिन तुम्हारी सेवा में रहता हूँ, कृपया मुझे घर जाने दो। महाराष्ट्र के सतारा में एक तेंदुआ कुत्ते का शिकार करने के लिए घर में घुसा था। ये करीब 4 घंटों तक इस घर में ही बैठा रहा। खूंखार लेपर्ड को अपने घर में पाकर घर वालों की तो सांसें ही फूल गई। उन्होंने फौरन वन विभाग की टीम को फोन किया। फिर काफी मशक्कत के बाद उस तेंदुए को वहां से रेस्क्यू किया गया। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, ये कहावत सुनी तो थी, लेकिन सीसीटीवी ने इसे साबित भी कर दिया। दरअसल बेंगलुरु के सिंहसंद्रा इलाके में एक तेंदुआ घुस आया था। इसके बाद इस इलाके के कुत्तों ने यूनिटी दिखाई और भौंक भौंक कर उसे वहां से खदेड़ डाला। महाराष्ट्र के पुणे में आंबे गांव की यह घटना इसी बात की तस्दीक करती है। आप देख सकते हैं कि एक अकेले कुत्ते ने इस तेंदुए को दबोच रखा है। कुत्ते की इस हिम्मत के सामने तेंदुए का हौसला पस्त पड़ गया और वो जान छुड़ा कर वहां से भाग खड़ा हुआ। इसलिए कहते हैं कि हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। देखो भाई नजारा शेर दा। यहाँ ये टाइगर जंगल के रास्ते इस गांव में घुसाया है, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। इसे पकड़ने के लिए लोगों ने जाल थाम रखा है, लेकिन ये टाइगर तो आराम के मूड में था। इसने वहीं पर जमाई ली और अपने पंजों पर मुंह रखकर सो गया। वैसे दोस्तों इस वीडियो को लेकर हमारा टारगेट है कि इसे कम से कम 5000 लाइक्स तो जरूर मिलें। अगर हम लोग मिलकर इस टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो हम आपके लिए लाएंगे इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो इस बात पर अब भी ठोक दीजिए अपना लाइक। तमिलनाडु के एक एटीएम में एक खतरनाक सांप घूमता हुआ दिखाई दिया। लोगों ने इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद ये सांप रेंगते हुए एटीएम मशीन के अंदर घुस गया। इसके बाहर खड़े लोग कहने लगे कि अब मशीन से पैसे निकलने वाले हैं।
तो पैसे निकालने जा रहा है। चलो पैसे निकलने वाले हैं। खैर ये तो मजाक की बात हुई, सच पूछो तो ऐसे जहरीले और खतरनाक सांप को देखने के बाद शायद कोई भी यहाँ से पैसे निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। दिल्ली के चितरंजन पार्क में एक कार के इंजन में करीब 6 फुट लंबा अजगर छुपा हुआ नजर आया, जिसके बाद उसे रेस्क्यू करने वालों के पसीने छूट गए। कार के इंजन में छुपे अजगर को निकालने के लिए करीब 1.5 घंटे तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अब आपको दिखाने जा रहे हैं अजगर और रेस्क्यूअर्स के बीच झड़प, जो कि जुलाई 2023 में फ्लोरिडा में एक 22 वर्षीय रेस्क्यूअर जैक वॉलेरी और 19 फीट विशालकाय अजगर के बीच देखने को मिली। काफी देर की झड़प के बाद एक्सपर्ट जैक ने आखिरकार विशाल अजगर को पकड़ ही लिया। मेरठ की कपड़ों की एक दुकान पर तब लोगों के होश फाकता हो गए जब उन्होंने वहां टंगे कपड़ों पर एक अजगर को नेंगते हुए देखा। वहां खड़े कई लोगों की तो चीखें ही निकल गई। बड़ी मुश्किल से इस सांप का रेस्क्यू कर यहां से निकाला गया। जंगली इलाकों के पास बसे इस गांव में एक तेंदुए का बच्चा भटक कर इंसानी बस्ती के पास पहुंच जाता है। बच्चा छोटे होने के बाद भी इंसानों को देख डर नहीं रहा, बल्कि उन पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। देहरादून के जंगल से ये जंगली हाथी गलियों में सड़क पर आ गया। तभी एक दूध वाला आ जाता है और हाथी को सामने देख बाइक को वहीं पटक कर बंदा भाग खड़ा होता है। लेकिन आज गजराज अच्छे मूड में थे, वो एक पल के लिए बाइक के पास रुके और बिना कोई नुकसान पहुंचाए आगे बढ़ गए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक जंगली भालू खाने की तलाश में कार में घुस जाता है और उसी में फंस कर रह जाता है, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने कार के दरवाजे को बांधकर उसे दूर से खींचकर उसे बाहर निकाला। मैक्सिको के नुएवो लियोन के चिपिंग के इकोलॉजिकल पार्क में बर्थडे मना रहे इस परिवार का ये दिन दिल दहला देने वाले दिन के रूप में हमेशा याद रहेगा। इनकी टेबल पर एक हिंसक काला भालू बिन बुलाए मेहमान की तरह आ गया और उनका खाना खाने लगा। इधर भालू चटकारे लेकर खाना खा रहा था, उधर डर के मारे बच्चा अपनी माँ से चिपक कर बैठ गया। माँ बेटे बिना हिले डुले तब तक बैठे रहे जब तक ये खतरनाक जानवर इनका पूरा लंच खत्म करके वहां से चला ना गया। जनवरी 2024 में ऑस्ट्रेलिया के पैराग्लाइडर जॉनथन बिशन ओररल वैली नामादगी नेशनल पार्क में लैंडिंग करते समय अचानक एक भागते हुए कंगारू से टकरा गए। टकराने के बाद कंगारू ने बिशप को इतना जोरदार पंच मारा कि उनका सिर ही चकरा गया। सब कुछ इतना फास्ट हुआ कि बिशन को कुछ समझ आता तब तक तो कंगारू वहां से जा भी चुका था। ये वीडियो अफ्रीका में जंगल के पास बने एक रिसोर्ट का है, जहां एक मेहमान की नजर कांच के दरवाजे के बाहर बैठे इस पैंथर पर पड़ी। ये पैंथर बड़े आराम से रिसोर्ट में घुस आता है, फिर काफी देर तक खुलेआम घूमता दिखाई देता है, जिसे देख अंदर मौजूद लोगों की हालत डर के मारे खराब हो जाती है। पूरे रिसोर्ट में चहलकदमी करने के बाद सीढ़ियों से होता हुआ ये वापस जंगल में चला जाता है। ये तो पैंथर की नजर किसी इंसान पर नहीं पड़ी, वरना ये कितना खतरनाक साबित हो सकता था ये कहने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ये वीडियोस बनाने में हमें कई दिनों की मेहनत लगती है, तब जाकर ये वीडियो तैयार हो पाता है। इसलिए इन वीडियोस को देखकर हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और अगर आप हमारे वीडियोस दिल से पसंद करते हैं तो हमें सुपर थैंक्स देकर सपोर्ट भी कर सकते हैं। किंग कोबरा बहुत ही जहरीले और खतरनाक सांप होते हैं, ये बात हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन तब क्या हो जब ये आपके घर में बने बेसमेंट में छिपा मिले। जी हाँ, ऐसा ही उत्तराखंड के भवाली के एक घर में हुआ, जहाँ के बेसमेंट में रखी टेबल के नीचे एक बड़ा सा किंग कोबरा छिप कर बैठा था, जिसे रेस्क्यू करने आई टीम ने बड़ी सावधानी से पकड़ा और उनके असली घर जंगल में छोड़ा। एक भारी भरकम गेंडे को अपनी तरफ दनदनाते हुए आते देख रिक्शा के ड्राइवर साहब ने आव देखा न ताव, हड़बड़ाते हुए रिक्शे को वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि हिप्पो उन पर अटैक करने नहीं बल्कि उसके रिक्शे को सूंघ कर ही चला जाएगा। खामखा बेचारे ड्राइवर को डरा दिया। मगरमच्छ के रेस्क्यू का ये नजारा 27 जुलाई 2023 को रत्नागिरी के चिंपोलिन के दादर का है, जहां एक बड़े से नाले में लोगों को एक विशाल मगरमच्छ तैरता नजर आया। कहते हैं वशिष्ठी नदी में आए उफान के कारण ये जीव पानी में बहता हुआ इस नाले में चला आया, जिसे देख लोगों में दहशत फैल गई। मौके पर वन विभाग की टीम ने आकर 1 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन किया।
एक खतरनाक सांप जूते के अंदर तेजी से घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। सांप बहुत ही खतरनाक लग रहा है। वो न तो सिर्फ तेजी से जूते के अंदर घुसता है बल्कि वो उसके अंदर इस तरह से छुप जाता है कि वो आसानी से नजर भी नहीं आता। इस वीडियो को देखकर कहा जा सकता है कि अगर शख्स ने यह नजारा न देखा होता तो उसके साथ कोई अनहोनी भी हो सकती थी। वीडियो राजस्थान के कोटा का है, जहां पर एक रेस्टरूम के अंदर बिस्तर पर तकिए के नीचे कोबरा सांप मिला, जिसे देखकर वहां के लोग दहशत में आ गए। दुकान के कर्मचारी जैसे ही बेड पर रखे तकिए को हटाते हैं, वहां से एक जहरीला सांप फन फैलाकर निकल आता है। बाद में इस जहरीले सांप को अपने झोले में डालकर जंगल में छोड़ देते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।